आज मैं आपके लिए इडली और सांभर की रेसिपी लेकर आई हूँ, और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैंने दाल भिगो रखी है, अरहर दाल, ये मैंने 100 ग्राम के करीब ली है। तो उसको मैं इस पैन में डाल कुकर में डाल देती हूँ। मैं दाल को और सारी सब्जियों को प्रेशर कुक करने वाली हूँ। ये मैंने लौकी ले ली है, 250 ग्राम के करीब है, मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा काटा हुआ है, ये मैं डाल देती हूँ इसमें। फ्रेंच बीन थोड़े से हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं सब्जियों की क्वांटिटी। गाजर मोटे मोटे काट के डाल देने हैं, थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल दें इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बाद में जब हम इसका फ्राई बनाएंगे उसमें भी धनिया पाउडर यूज़ करने वाले हैं। हल्दी थोड़ी सी बचा लें बाद के लिए, थोड़ी सी चिली पाउडर, बहुत थोड़ी सी, और ये करी पत्ता है, ये थोड़े से डाल देने हैं क्योंकि ज़्यादा ना डालें, हम फ्राई में भी लेंगे इसलिए थोड़े से डाल दीजिए फ्लेवर के लिए, बॉयल होते टाइम सब्जियों के साथ मर्ज हो जाएंगे। अब इसे पानी ऐड कर देते हैं, अब मैं इसको प्रेशर कुकिंग करने के लिए इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और जब तक ये फ्राई जब तक ये कुक होगा, स्टीम कुक होगा, तब तक मैं इसका तड़का बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, सांभर मैंने स्टीम कुक होने के लिए रख दिया है दाल और सारी सब्जियों के साथ। अब हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी साबुत सूखी लाल मिर्च, थोड़े से हम इसमें मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, उसके बाद एक छोटा प्याज आपको चॉप करके डालना है, अनियन के बाद आप करी पत्ते को डाल दीजिए थोड़ा सा बीच में से काट के ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। थोड़े करी पत्ते मैंने बचा लिए हैं इडली के लिए। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, इसमें मैं 2 टमाटर काट के डाल दूँगी चॉप करके। टमाटर के ऊपर मुझे डालना है थोड़ा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर जो मैंने पहले बचाया था वो अब आप इसमें डाल दीजिए सारा, थोड़ा सा नमक, मिर्ची पाउडर भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ, अगर आप थोड़ा तीखा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 2 चम्मच सांभर का मसाला। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें थोड़ा खटास ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या टमाटर की क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हैं, या फिर बाद में जब सब रेडी हो जाए बिल्कुल आपका सांभर तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं पकने के बाद, वो पूरा पक जाए। तो मेरी आज की ये इडली सांभर की डिश में स्पेशल ये है कि मैं इडली को कपकेक मोल्ड्स में बनाने वाली हूँ, तो यही मेरा ट्विस्ट है। तो आप देखिए कपकेक मोल्ड्स में कितना आसान है इसको बनाना और सर्व करना, और जब आप सर्व करेंगे कपकेक मोल्ड्स शेप के इडली तो फिर सबसे तारीफ भी पाएंगे, हर कोई आपकी तारीफ भी करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनती हैं, मैं अभी आपको इडली का भी बैटर करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा ये फ्राई तैयार हो गया, तड़का तैयार है। तो मैं इसको, और मैंने ये खोल लिया कुकर, सांभर मेरी दाल और सब्जियाँ सारी पक गई हैं, तो ये मैं ऊपर से इसमें डालूँगी मिक्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी सांभर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बनी है, ना ज़्यादा ठीक है ना पतली है, एकदम जैसी अच्छी लगती है देखने में और खाने में बिल्कुल ऐसी बनी है। सब्जियाँ भी ठीक से गल गई हैं। तो अब हम चलते हैं इडली बैटर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इडली का बैटर, ये मैंने 1 कप उड़द दाल और उसके बदले 2 कप चावल लिया है, यानी 1:2 का रेशो है, और दोनों को अलग अलग पीस के मैंने उसे एक ही बोल में डाल दिया है। बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं अब आपके सामने डालूंगी। थोड़ा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ये मैंने पैपफिज लिया है, आप इनो ले सकते हैं किसी भी फ्लेवर का, लेमन हो कैसे भी हो, मैंने ये पैपफिज लिया है ऑरेंज फ्लेवर में, तो हम इसे ऐड कर देते हैं, ये अच्छा फ्लेवर देगा और थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर भी देगा और ये हमारे बैटर को फ्लफी भी बनाएगा। तो ये मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ, और उससे अलग मैंने करी पत्ता लिया है और थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, ये मैं
तड़का लगाऊंगी जब इडली रेडी हो जाएंगे। तो अभी पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना बबल आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा बैटर कितना फ्लफी और फ्रॉथी हो गया है। तो जब हम इडली बनाएंगे तो बहुत ही लाइट और फ्लफी बनेंगे। सो फ्रेंड, मैंने ये कपकेक मोल्ड्स लिए हैं सिलिकन के, हम इसमें बनाएंगे और देखते हैं कि क्या मैजिक करते हैं। तो मैं इसमें अपना बैटर पोर कर लेती हूँ। इसको आपको हाफ ही फिल करना है, आप इसे पोर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैंने कपकेक मोल्ड में बैटर फिल कर लिया है अपना इडली का। अब मैं इसे माइक्रोवेव करने के लिए जा रही हूँ। कोई ऑयलिंग किसी ग्रीजिंग की जरूरत नहीं है। जैसे हम इडली पैन जो होता है उसको ग्रीस करते हैं, उसके बाद उसमें डालते हैं सिलिकन मोल्ड, तो इसमें से आसानी से वापस बाहर भी आ जाएगा और ये एक अच्छा कपकेक जिक्के जैसा शेप भी ले लेगा। तो चलिए मैं इसे माइक्रोवेव करती हूँ। सो फ्रेंड्स, 2 मिनट में ये रेडी हो गए। जैसे कि मैंने आपको बोला था 2 से 3 मिनट में हो जाते हैं। आप इसको ऐसे चेक करके देख सकते हैं। इस तरह से इडली बनाना इतना आसान है कि अगर आप घर में बना रहे हो तो बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे, वो खुद बनाना चाहेंगे। तो मैं तो जब भी ऐसे बनाती हूँ मैं अपने बच्चों को ही दे देती हूँ, वही बनाते हैं। और बस मैं सांभर बना के छोड़ देती हूँ, बैटर मैं उनको करके दे देती हूँ, वो खुद बना लेते हैं। और बस जब भी उन्हें खाना होता है गर्मा गर्म बनाएं। और आप चाहें तो, मैंने सिलिकन मोल्ड लिए हैं, आप चाहें तो इसकी जगह पेपर का मोल्ड भी ले सकते हैं कपकेक के लिए, वो भी बहुत आसान है, उससे भी ईजिली बाहर आते हैं, ग्रीजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं तड़का बना लेती हूँ अपने इडलीज के लिए। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा तेल ले लिया इसमें पैन में। इसमें पहले हम ये सरसों के बीज डाल, उसके बाद करी पत्ता को चॉप करके डाल देना है। बस आँच आप बंद कर दीजिए तभी, क्योंकि मुझे ज़्यादा तेज नहीं पकाना है इसे। और इसको ले जाके इडली के ऊपर से डाल देना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी इडली और सांभर रेडी है। तो अगर आप इस तरह से बना के प्लेटिंग करें तो ये खाने में भी इजी और कन्वीनियंट है और देखने में तो है ही गुड। तो आप इसे बनाइए मेरे इस तरीके से और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।